गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग यहाँ पे आए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू इसके लिए नहीं है कि आप यहाँ आए, एक्चुअली थैंक यू इसके लिए कि आपने एशिया टेलीकॉम पे भरोसा किया और एशिया टेलीकॉम पे भरोसा करके आप अपने घर से यहाँ आए। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत मेहनत की आपने, सच्चे दिल से मैं कह रहा हूँ। थ्रू आउट पहला दिन से फिरोज सर के साथ हो, मिलन सर के साथ, अभी आने वाले जो हार्डवेयर के ईएमसी हैं, या फिर मेरे साथ, आप लोग ने बहुत थ्रू आउट मेहनत की है। लगातार रात में अगर 12 बजे या 1 बजे की बात करूं तो भी आप लोगों को मैंने बिल्कुल डर एक सेल जो ईमानदारी से पढ़ते हुए देखा है, और वो चीज आपको आगे समझ में आएगी कि इन 30 दिनों में आपने सीखा क्या है जो यहाँ से आप लेकर जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे कि मुझसे हमेशा एक मेरे बहुत प्रिय स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर आप बीच बीच में थोड़ा सा आते रहना, मोटिवेट करते रहना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोटिवेशन होता क्या है, क्या होता है कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, क्या रीजन है कि हम मोटिवेट होना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे दिया बाती और लौ, जैसे ये तो आपने देखा होगा जब हम एक दिया जलाते हैं तो जब वो फड़फड़ाने लगता है, मतलब उसका जो तेल होता है वो खत्म होने लगता है और उसके बाद वो बंद होने लगता है, तब हम उसमें थोड़ी सी तेल और डाल देते हैं, उससे क्या होता है उसको चिंगारी मिल जाती है और उसका लाइफ बढ़ जाता है। मोटिवेशन भी ठीक उसी तरीके, जब हम अपने किसी काम को लेके अंत तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब हमको रिजल्ट नहीं मिलता और थक जाते हैं या तो हम बिल्कुल नाराज हो जाते हैं खुद से, तो वो मोटिवेशन तब हमें बूस्ट करता है, उत्तेजित करे और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तब हमें लगता है कि अगर लाइफ में जब ये बंदा सक्सेस हो सकता है, जब कोई सामने सक्सेस होते हुए देखते हैं हम कि यार मेरे सामने ये चार लोग सक्सेस हुए तो मैं भी हो सकता हूं, बस समय है कि बस ये देखना है कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है अपने काम के लिए, कितना हम ईमानदार है। सबसे मेन होता है ईमानदारी। जैसे अगर मेरी दुकान है, हम अपने गल्ले के प्रति कितने ईमानदार होते हैं, होते ही नहीं होते। कभी आपने अपने गल्ले में अपने दोस्त को हाथ डालते हुए कभी दिया गया, कभी आपने अपने गल्ले में, कभी ऐसा होगा कि आपका कोई भी रिश्तेदार आके हाथ डाल के कुछ भी पैसे निकाल रहा है, हम ईमानदार हैं। वैसे ही जिंदगी में ना अपने दोस्तों को हाथ डालने दो, ना ही अपने रिश्तेदारों को हाथ डालने दो। जिंदगी और गल्ले की तरह, जिंदगी और गल्ले की तरह होती है, उसमें रखे नोट आपकी आपके हार्डवेयर की तरह होते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, वो आपने अर्न की है, वो एकदम से नहीं आते। आपने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है और वही आपका गल्ला है, भरता जा रहा है। पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने दोस्तों से उस गल्ले को खर्च करवा रहे हो फालतू समय लेकर, आप उन रिश्तेदारों को बेमतलब उनके साथ बैठ के निगेटिव हो रहे हो जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है आज के दिन में कि तुम ये नहीं कर पाओगे। अगर हम डिमोटिवेट होने जाना तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें घर पे मिल जाती। पर बहुत मेहनत की है आप लोगों ने और इसी के लिए मोटिवेशन आप चाहते थे। और मैं सच बताऊं, मोटिवेट होने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि मुझे मोटिवेट होना है तो कोई यूट्यूब चैनल खोलना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर बंदे को सुनना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने अंदर एक तीन चीजें रखो, तीन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत थोड़ा सा बोलूंगा, तीन चीजों के बारे में आप रखो कि पहली चीज अपने अंदर से डर खत्म करो, दूसरी चीज खुद पर विश्वास रखो और तीसरी चीज जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। तो मुझे लगता है कि दुनिया में तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मोटिवेट होने के लिए तो हम जाते हैं कि हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज भी मैं यही कहना चाहता हूं, हर एक का एक आइडल होता है, ये तो आपने मानते हो कि नहीं मानते, आपका भी आइडल है, मेरा भी कोई एक आइडल है। आइडल कौन होता है, जिसके प्रति जिसको देखकर हम जैसा बनना चाहते हैं, तो वैसे ही मेरा भी एक आइडल है। वैसे ही आपने जो महान लोग हैं जैसे निकोल टेस्ला, सबको पता है कि निकोल टेस्ला कौन है, एटलीस्ट हमको तो पता ही होना चाहिए। निकोल टेस्ला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मात्र हमारे टैगोर, मिस्टर टैगोर, जो फर्स्ट नोबेल विनर थे हमारे इंडिया के, अगर उनका कौन आइडल होगा ये बात कौन जानता है, वो लोग निकोल टेस्ला उसका आइडल कौन होगा। तो निकोल टेस्ला का जो आइडल थे वो थे श्री निकोल टेस्ला के आइडल क्या थे, तो अगर मैं बात करूं श्री स्वामी विवेकानंद थे उनके आइडल, निकोल टेस्ला के आइडल स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी जैसे बनना चाहते हैं, हम निकोल टेस्ला जैसे बनना चाहते हैं, अनंत आविष्कार करना चाहते हैं,
पर उनका आइडल है स्वामी विवेकानंद। तो उनकी तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो तीन चीजों को लेकर चलोगे तो मुझे लगता है हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, एमएनसी हो या जिंदगी हो, तीनों में ही तरक्की करोगे। सबसे पहले पहली चीज कि अपने अंदर से डर खत्म करो। आपके अंदर पता है डर बहुत है, बहुत डर है, हम बहुत डरे हुए लोग हैं, हम हर चीज से डरते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले दिन में सुनता था, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर मैंने पहली बार आईसी निकाली, पहली बार लगाया, मैंने लाइफ में पहली बार काम किया। वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही वीडियो देखते आ रहे थे यूट्यूब से, वो पहले से मोबाइल के क्षेत्र में आना चाहते थे, पर कभी भी कोई आईसी पर काम नहीं किया क्योंकि वो डरते थे कि बोर्ड खराब ना हो जाए। किसी भी काम को शुरू करने से डरते थे कि मेरा नुकसान ना हो जाए। किसी भी काम को करने से मेरा डरते थे कि मैं कोई गलत पकमा ना ले लूं या मेरा कुछ भी एस वाई जेड डर। ये सबसे पहले आपको डर अंदर से निकालना होगा। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप काम नहीं करेंगे। जैसे हमारे सैयद सर जब आए थे यहाँ पर और मैंने उनसे पूछा, सर आपने जब आईफोन पर बनाते थे तो शुरुआत में तो सब बनना नहीं होगा, कुछ तो बिगाड़ा भी होगा। तब उन्होंने बताया कि भाई एक केस बता रहा हूं, आईफोन एट में लो सर्विस जब आता है तो उसका जो फॉल्ट होगा कॉलकॉम के साइड में WTR का फॉल्ट होता है। तो उसने बताया था कि मैंने चार बार WTR को निकालने और बदलने के चक्कर में वो आईफोन 8 डेड कर दिया। मैंने बोला भाई चार बार कैसे किया होगा आपने डेड, एक बार होगा आपको पता होगा, दूसरी बार। मैंने बोला भाई मैंने चार अलग अलग तरीके से हिट देकर वो WTR आईसी को निकाला और जब भी निकालता था सारा फोन डेड हो जाता। मुझे लगा कि वो कैसे रहा, तब मुझे पता चला चौथी बार जब, क्योंकि उन्होंने पांचवी बार भी किया तो पहली चीज तो वो डरे नहीं, ये चार बार होने के बाद कि यार अब तो कस्टमर के मोबाइल डेड हो गए। उन्होंने पांचवी बार वो करने से पहले थोड़ा समझा और उस चीज को देखा कि जस्ट WTR के जस्ट पीछे एक प्रोम लगी होती है जो कि हमारी आईफोन की लॉजिक एक प्रोम होती है, चार बोर्ड की एक लॉजिक एक प्रोम होती है। और जैसे ही वो WTR को हिट देते थे तो वो एक प्रोम उनकी खराब हो जाती थी और क्रैक हो जाती थी, उसमें से फोन डेड हो जाता था। तो उन्होंने पांचवी बार उस WTR को ड्रिल करके निकाला, मतलब विदाउट हीट। तो उन्होंने ड्रिलिंग की और उस पर उन्हें पांचवा सक्सेस मिल गया। उन्होंने ड्रिलिंग की, उन्होंने आईसी निकाली, उन्होंने आईसी रिबोर्ट अब नया आईसी लिया और लगाया और साइट चालू किया। तो उन्होंने पांचवी बार सबसे पहली बार, और डर अगर हम दो बार करेंगे तो हम डर जाएंगे कि हम कस्टमर का मोबाइल तो डेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चीज है। तो जब भी आपको लगे कि आप गलती कर रहे हो तो मतलब सोचो आप सीखने का दौर आ गया, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं सही नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ है जो मुझे अपने अंदर से ही लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डर। जब स्वामी विवेकानंद जी बचपन में छोटे थे तो वो एक पेड़ अपने दोस्त के साथ एक पेड़ पर एक फल को देखा करते थे, वो सोचते थे कि यार इस फल को तोड़ेंगे, पर वहां के लोगों ने एक अलग ही वातावरण पैदा करके रखा था। वहां के लोगों ने, बड़े लोगों ने, ताकि बच्चे पेड़ पे ना चढ़े और चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, तो बच्चों को डरा के रखा था। वो कहते थे कि अगर तुम ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर एक भूत है जो तुम्हारी गर्दन को तोड़ देगा और तुमको खा जाएगा। तो बच्चे इतने डर गए थे कि वो फल तोड़ ही नहीं पा रहे थे, ना ही खा ही पा रहे थे, तो उस चक्कर में पेड़ के आसपास कोई जा ही नहीं पा रहा था। उसी रात स्वामी विवेकानंद जी ने रात में अकेले में और गए उस पेड़ पर चढ़ गए और पूरी रात भर वो भूत को ढूंढा, उनको पूरी रात तक भूत नहीं मिला। अगले दिन को दोस्त के पास गया, उन्होंने कहा कोई भूत भूत नहीं है, चला मैं तेरे को भूत फल दिलाता हूं। सो सबसे पहली बात है कि डर को खत्म करना है हमको। कोई भी काम करना है आपको ये मत सोचना कि ये फोन डेड होने वाला है, अगर ये सोचोगे ना तो वो कभी भी फोन बना नहीं पाओगे। आज की डेट में 90% लोग आईफोन में ऊपर जो स्क्रो लगा होता है, सीट लगी होती है, उसको टांगने से डरते हैं कि मेरा फोन कहीं का ना हो जाए, डेड ना हो जाए। तो डर आपको खत्म करना है, और डर खत्म होगा प्रैक्टिस से। डेड मोबाइलों में इतनी प्रैक्टिस करो कि डर खत्म हो जाए आपका। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी में या दुनिया में सबसे बड़ा पाप है तो वो कौन सा है, अगर दुनिया में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो एक ही है, अपने आप को कमजोर समझना। ये बात समझते भी नहीं समझते, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये मत करना लाइफ में कभी भी अपने आप को कभी कमजोर ना समझना। दूसरी चीज जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो उन्होंने जीवन में अपनाया, पहला तो उन्होंने डर से जीता। दूसरा चीज कि स्वामी विवेकानंद जी तो हमसे कहते हैं कि अगर आप कोई फैसला करते हो तो उसको पूरा करके देखो। अगर आपने किसी फैसले पर आपने सोचा
कि यार मुझे आज रात में करना है या वो आपने सोचा या मुझे यहाँ जाना है, अगर आपने सोचा या मुझे इससे मिलना है या पूरा करना है या कुछ भी करना है काम, तो उसको पूरा अंत तक करो। बीच रास्ते में छोड़ने वाले लोग जिंदगी में इतने पीछे रह जाते हैं कि अक्सर मुझे दो उनको दिखाई नहीं देगी। ऐसा होगा एक दिन, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक दिन ऐसा होगा ना कि आज आपके साथ जो आपसे आपसे लेना चाहते हैं, आपसे मदद ले रहा है, वो आपको कल मुंह दिखाएगा और इतना आगे निकल जाएगा कि आप उसकी स्टेपनी पे बन जाओ। क्यों? क्योंकि पहली बात कि आपने जो भी काम पकड़ा मतलब बीच में छोड़ देते हो। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे फादर भी मिलते एक बार कह रहे थे जब वो आपकी बार बिजनेस को लॉकडाउन किया, मेरे पापा को इलेक्ट्रिकल बिजनेस में दम नहीं है, दम नहीं है, मैं नहीं चला पाऊंगा। मैंने क्यों बोले, यार धंधा नहीं है, मार्केट में लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही है, एमपीपी के पेमेंट बंद हो गए, ऐसा वैसा ये कह के उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। मैंने अपने फादर से बोला कि पापा धंधा बहुत है पर तुम कर नहीं पा रहे, मार्केट में लोग हजारों लाखों करोड़ों बिक रहे पर तुम में क्षमता नहीं है कि तुम कर लो। ये कहकर कि धंधा नहीं है और बैठ जाना, तो पहली चीज है कि ये एक मतलब अपने अंदर डर और अपने अंदर डर जो है ना इस तरह से छुपा रहे हो कि जिंदगी जीने का सहारा बना रहे हो। ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, जेन्युइन रीजन मत ढूंढो, ऐसे कोई भी रीजन मत बनाओ जो आपको सही साबित करने के लिए आप लगे हो। आप ऐसा मत बोलो किसी के सामने या सर ये एक्सक्यूजेस, सर मैं तो रात में सो गया था, मैं सुबह सर जल्दी उठने के चक्कर में रात में सो गया, कुछ भी एक्सक्यूज है, क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो। वहां जब मैं घर जाता हूं तो मैं छोटी सी सी डाली है जो पूरी भर गई है, तो मेरे पास 5-6 नीली पीले अलग अलग कलर की, तो मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, विरोध सर से पूछना, ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं, टॉपिक लिखता हूँ मैं, 5-3 टॉपिक में ही पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट मेरा रहता है कि मुझे यूट्यूब में कुछ अपडेट करना हो, दूसरा पॉइंट मेरा रहता है कि कल क्या क्लास में पढ़ाना है, तीसरा पॉइंट रहता है कि क्लास में पढ़ाना उसको अपडेट करना है, चौथा पॉइंट रहता है मेरा कि अगर मान लो मेरे पास कोई फोन पड़ा है तो मैं उस पर वर्क करूं। तो 4 पॉइंट में जब तक टिक नहीं कर लूंगा मेरे को नींद नहीं आती, मैं सच बताऊं। और ये मैं इसलिए अपने अपने कमरे में घर में घड़ी नहीं लगाई अपने कमरे में कि मैं टाइम देखूं, यार अब तो 12 बज रहा है, अब तो 2 बज रहा है। आपने देखा होगा कि मैं थ्रू आउट आपके 15 दिन आपको हार्डवेयर पढ़ाया, क्या मैं कभी घड़ी पहनकर आया क्या? कभी घड़ी पहना क्या मैंने आज तक? तो गरीब वो लोग कहते हैं जो हर समय टाइम को देखते हैं, पर एक्चुअल में जब आप अपने काम पे होते हैं ना तो टाइम मत देखो, समय मत देखो। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, जब हम 10 बजे बैठते थे ना तो रात के 11:30 बजे भी जब हम उठते थे तो हमारी पीठ दुख जाती थी, आधा घंटा वो खाना खाने के लिए हम उठते थे, उसके बाद भी जब हमें लगता था कि एक केस है तो केस को भी निपटाने देते, रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठते थे। तो ये क्यों? और इसी कारण आज हम यहां हैं। तो सबसे पहले अपनी टाइम लिमिट आगे बढ़ाओ और जो खुद से विश्वास करके आए हो ना उसको पूरा करके आना। आधे रास्ते पर ये चीजों को छोड़ना मत। अगर इतनी दूर आए हो, अगर इतना रास्ता हमने तय किया है, तो अब अगर आप पीछे हटोगे तो ये तो आपके साथ आप अपने साथ ही पूरा कर रहे हो। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप लोग? तो आप लोग इतनी दूर से आ रहे हो, इतने हजारों किलोमीटर से आ रहे हो, आप लोग किस परिस्थिति में रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्यों? क्योंकि आप कुछ सीखने आए हो, और आप अगर सीखने के वजह कुछ और चीज यहां से लेकर गए, कुछ और थॉट लेकर गए, तो दोस्तों ये जिंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, दूसरा मौका कोई नहीं देने वाला आपको, कोई भी नहीं। आप ही को अपना हर दिन में कुछ ना कोई मौका खुद ढूंढना पड़ता है। मेरे को एक दिन बोलता है कि सर मेरी जिंदगी में कोई मौके नहीं आए, मेरे पास में आपके पास में मौके हैं, मौके मतलब अच्छे अवसर। मैंने बोला आपसे अच्छे अवसर कुछ नहीं होते, हर दिन में हमें अपने सारे अवसरों में अच्छे खुद ही ढूंढना पड़ता है, बुरे अवसरों को अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये क्यों? आपको उतना नजर अपना इतना तेज रखना पड़ेगा अपने कामों में। इसी चक्कर में ना मैंने बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रखी, ना मैं अपने रियल लाइफ में रहा। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये तो आप बायस होगा पर एक कहना और इंपॉर्टेंट है, अगर किसी चीज में सक्सेस होना है तो उसमें पूरा 100% देना होगा, और तुम्हारा 100% में फिर कोई भी नहीं आना चाहिए। तो अगर तुम 100 नहीं देते हो तो फिर तुम अपने आप से कंप्लेन मत करो कि सर मैं आज उतने लेवल पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तुमने अपना 100% उसको नहीं दिया। तुम आज भी अपने दोस्तों के साथ या अपने मित्रों या किसी के साथ भी बात करने में आधा दिन निकाल देते हो, या आज भी कुछ और करने के चक्कर में रहते हो, तो आज यूट्यूब में कुछ और देख रहे हो जबकि देखना कुछ और चाहिए। यही है एक माइनस पॉइंट की स्टूडेंट आगे कर नहीं पाता है चीजों को लेकर।
तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो विवेकानंद हमसे कहते हैं, पहली बात कि डर डर से जीतो, दूसरी बात जो कहते हो वो करो, तीसरी बात खुद पे विश्वास रखो। बहुत से मैंने स्टूडेंट को देखा है जब पहले दिन आते हैं तो विश्वास ही नहीं रहता उनको कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दुर्गेश सर या फिरोज सर या मिलन सर, हम सब आपसे यही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर नहीं कहूंगा पर एटलीस्ट इतना कि हाँ मैं कर जाऊंगा। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, दुनिया में अगर कोई कुछ कर रहा है कोई भी इंसान, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? एक आदमी है जो ओलंपिक में 7-8 फीट पर 1.4 फीट का ऊपर जंप मारता है, वो होता है पोल जंप, हमने देखा होगा ओलंपिक पोल जंप, वो एक पोल के ऊपर बिना छुए अपनी बॉडी को दूसरी साइड पे जंप करना होता है पोल जंप। या फिर मैं बात करूं स्विमिंग, एक आदमी ने जिसने स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया है, जैसे अगर हम उसकी बात करें तो हम उससे पूछे, मैंने उससे मतलब किसी ने पूछा कि भाई तुमने रिकॉर्ड कैसे बना लिया, तो उसने पूछा कि मैं हर दिन 8 घंटे की प्रैक्टिस करता हूं, हर महीने 2500 घंटे, हर हर साल 40,000, मतलब लगभग कितने घंटे, तो वो भी नहीं बता पाया, इतने घंटे प्रैक्टिस करता हूं। तो आप मुझे बताओ, आप हमें से बहुत लोग स्विमिंग में नहीं आती होगी, किस किस को स्विमिंग नहीं आती, किस किस को स्विमिंग नहीं आती, आप लोग को स्विमिंग नहीं आती ना, पक्के से नहीं आती ना। पर अगर आप 8 घंटे डेली स्विमिंग करोगे, डेली एक साल ये छोड़ के कि मुझे ओलंपिक में जाना है, सिर्फ 8 घंटे और एक साल बाद ना ओलंपिक में तैयार हो जाओ, तो ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? पर डेली 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आपने बोला कि सर मुझे मुझे हार्डवेयर में कुछ नहीं आता, मुझे आईसी निकालना नहीं आता, तो आपको करना क्या होगा? वही 8 घंटे की प्रैक्टिस जितने अपने सीनियर कर रहे हैं। तो हर चीज को अपने सामने एडजस्ट करो, हर चीज को केस स्टडी को खुद की अपने सामने मिलाओ और ये सोचो कि मैं सामने वाले से क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि सामने वाला जिंदगी में हर समय नहीं आएगा, नहीं बात आएगा। सो आप जितना हो सकता है उतना मेहनत करो और एशिया टेलीकॉम का हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, निवेदन अग्रवाल हमेशा आपके साथ है, फिरोज सर हमेशा आपके साथ है, और मिलन सर और दुर्गेश सर हमेशा साथ है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को, मैं थैंक यू वेरी मच। मैं दुर्गेश सर को बुलाना चाहूंगा और थोड़ा बहुत दुर्गेश सर से भी हम सुन लें, और जिस तरह से, अच्छा एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कॉर्बेट कैसा पढ़ा रही है? पक्का एक बार दुर्गेश सर के लिए जोड़ देता हूँ। चलिए, जैसा कि देखिए जब जब मैं क्लास देता हूं तो हर एक दिन क्लास लेने से पहले कुछ ना कुछ आपको सिखाता हूं, मतलब क्लास के बाद भी, मतलब क्लास शुरू होने से पहले आपको कुछ ना कुछ बताता हूं कि सब कुछ आपको देखना है, समझ में आ रहा है नहीं? आप जब पहले दिन यहाँ पे क्लास में एंट्री लिए थे, जिस दिन आपने मतलब पहले दिन की क्लास में ज्वाइन किया था, तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा था ना कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हो कि परफेक्ट बनने आए हो, पूछा था ना, तो सभी ने क्या उठाया था? परफेक्ट होने आए। मगर अभी क्या बोलेंगे आप? अभी आप ट्रेन होने आए हो, कितने लोग ट्रेन होने आए हाथ उठाइए। तो देखिए पहले दिन की क्लास में सब परफेक्ट होने आए थे, मैं आपको फिर से वही सर ने वही चीज बोला, मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूं कि देखिए इस फील्ड में परफेक्ट कोई नहीं होता, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस फील्ड में एक लेवल है, आपको पहले मैंने रिमाइंड किया था और आज भी कह रहा हूं, इस फील्ड में एक लेवल है। अगर हम 5 घंटे मेहनत करते हैं, आप 6 घंटे मेहनत करेंगे, तो हमारा आपसे बड़ा लेवल हो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हमने ये चीज पूरी चीज बताई कि मेहनत, अगर आप मेहनत से पीछे जाएंगे तो अपने सक्सेस से पीछे जा रहे हैं, अगर आप मेहनत से दो कदम आगे जाएंगे तो मेहनत भी सोचेगा क्या मैं उतनी मेहनत करता तो आगे चला जाता। तो आप किसी भी काम को जब कर रहे हैं तो उसको ये रिजल्ट देखिए क्यों नहीं हो रहा है, आप ग्रुप में ये मैसेज मत डालो कि उसका सलूशन क्या है, आप ग्रुप में आप अपने आप से पूछोगे क्यों नहीं हो रहा है, आप दूसरे से पूछेंगे वो भी जो आपको पढ़ाया गया है वही वो जवाब देगा कि आप वो करो, पर आप छोटी छोटी जितने स्टेप है फॉलो करेंगे तो कभी आप उसको अनसक्सेस होंगे ही नहीं, और किसी से पूछने की जरूरत है क्या? चलिए ठीक है, इसीलिए मैं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। फिर सर को मैं बुलाना चाहूंगा, सर के लिए सोचना चाहूंगा, इंडिया में पूरे इंडिया में अगर 40 बच्चों को
पांच दिन के अंदर जो आईसीएल लगवा सकता है तो उसका नाम क्या है? नाम याद सुनाई नहीं दिया, क्या नाम है उसका? गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं देवव्रत अग्रवाल जी सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है उनके साथ काम करने की, जो कि इंडिया में हो सकता है हजारों लोगों का एक सपना होगा सर के साथ काम करने का। तो इसलिए मैं सबसे पहले सर को थैंक्स कहता हूँ, मेरे सारी एशिया टेलीकॉम की टीम को और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आप लोग एशिया टेलीकॉम के साथ जुड़े हो, जो कि इंडिया में नहीं पूरी मुझे लगता है तो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है। लेकिन 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ, अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं। तो एक जगह पे मैंने पढ़ा था, एक पोस्ट भी देखा था जहां पे तो एक जो पत्थर होता है, यहाँ पे हम पत्थर के ऊपर बैठे हैं ठीक है, इसी तरह से मंदिर के अंदर भी जो भगवान की मूर्ति होती है वो भी एक पत्थर से बनी हुई है ना। तो ये जो पत्थर है जो जिसको हम टाइल्स बोलते हैं, जो जिसके ऊपर हम चलते हैं, तो वो पत्थर इस पत्थर से, क्योंकि ये भी तो पत्थर से बनी हुई है, तो उन दोनों में आपस में कन्वर्सेशन होता है। तो वो पत्थर कहता है कि मुझ पर तो लोग चल कर जाते हैं, मुझ पर चल कर जाते हैं, लोगों के जूते मुझ पर चलते हैं, लेकिन आपके पास आकर के लोग अपना सर झुकाते हैं ठीक है, क्योंकि वो भी पत्थर है ये भी पत्थर है। तो दोस्तों ये जो पत्थर से जो मूर्ति बनी हुई है उसका आंसर ये होता है कि मुझ पर इतनी छन्नी और हथौड़ी के मार पड़े हैं, समझ रहे हैं आप? जो मूर्ति बनती है, जो भी उसे बनवाते हैं, तो छन्नी और हथौड़ी से उसको तराश के बनवाते हैं, तो कितनी बार उस पर छन्नी और हथौड़ी के मार पड़े हैं उतनी बार उसने सहा है, उतने उससे उतनी तकलीफ को उसने सहा है, इसीलिए सारी दुनिया आकर वहां पर उसके सामने सर झुकाती है। तो मैं बोलना ये चाहूंगा आपको कि यहाँ पे आके आप लोग ट्रेन तो हुए हैं और जो भी आपने डाटा लिया है, वीडियो देखे हैं, सर से पढ़ा है, मिलन सर से पढ़ा है, दुर्गेश सर से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, लेकिन जाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जाकर ये जो भी वीडियो से जो भी आपके पास डाटा है उसको बंद करके रख दोगे तो क्या नॉलेज आपके अंदर आएगी? नहीं आएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक और छोटी सी बात बोलता हूँ, जैसे कि स्विमिंग इंसान करता है, जब स्विमिंग पूल में वो तैरता है, तो दोस्तों अगर आप 10-15-20 किताबें पढ़ लो कि स्विमिंग किस तरह से करना है, ये ऑलरेडी मैं सबको बोला हूँ ऑलरेडी ठीक है, आप 10-15-20 किताबें पढ़ लो तो पढ़ने के बाद क्या आपको स्विमिंग आएगी? कब तक नहीं आएगी? जब तक आप पानी में छलांग ना मार दो। तो आपको क्या करना है? डेली प्रैक्टिस करना है। एक बात यहाँ पे बोलता हूँ मैं, जब मैंने पहली बार आईसी लगाई थी तो सुबह से लेकर शाम हो गई थी, एक ऑन हैंडसेट का पावर एक मैंने निकाली थी, तो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा मैं, रात में 10 बजे लगा के ऑन करके वहां से उठा, समझ में आया आपको? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप में एक बार में ऐसी नहीं लगती है, दो बार में नहीं लगती है, तीन बार में नहीं लगती है, कभी भी हार मत मानो। क्यों? क्योंकि आपने देखा है प्रैक्टिकल क्लास में भी शॉटिंग नहीं मिल रही थी, कब तक एक सेट ले लेते हैं तो उसको बनाए के वहां से हटना नहीं है आपको। अगर ऐसे आप छोड़ते जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। अगर किसी हैंडसेट में शॉटिंग है तो जरूर हम ढूंढेंगे उसको, कहां कैसे नहीं मिलेगी आपके पास, इतने सारे तरीके बताए गए हैं आपको, 100% मिलना है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बल्ब किसने बनाया, कौन है आविष्कार? बोलो, एडिसन। थॉमस एडिसन बल्ब बनाया कितनी बार? 2000 बार फेल हुआ, 10,000 बार, 9,999 बार। ये तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, सारी बुकों में, सारे अखबारों में, सब कुछ में यही था, थॉमस एडिसन 9,999 बार प्रयोग करने का, 10,000 बार उसका बल बना, चूटी कवर फेक है, चूटियां बनाया हम लोगों को, सच में सिर्फ चौथी बार में बल बन गया था। वो 10,000 बार लिखने का फायदा क्यों था? क्योंकि वो तुम लोग को बताना चाहता था कि साला तुम लोग 10 बार तो बनाओ, 10 बार तो प्रैक्टिस करो, दो चीज ना हो तो कम से कम 10 बार तो करो, मैंने 10,000 बार किया है, समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस की तब जाके बल्ब मैंने बनाया। तुम एक चीज नहीं होगी, जैसे प्रयोग करने बोला कि एक आईसी सुबह लगाया, शाम को लगी, प्रयोग कर 4 बार
लगाने के बाद नहीं, अब तो मुझसे हो गई यार, बेकार है जिंदगी, बेकार है, दूसरी जगह चाइना जाऊंगा अपने दोस्त के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम 10 बार तो तुम योग करो, 10,000 बार तो नहीं करता कोई। तो ये एक चीज है कि मोटिवेशन से जो हमें अंदर से ऊपर ले जाती है कुछ। तो मेरे साथ में मिलन सर है, जोरदार ताली बजा दें इंदो भाई, इनके लिए मैं शब्द नहीं है क्या बोलूं मैं। जब मैं पहली बार इनसे मिला था एज ए स्टूडेंट मिला था, और जब मैं दूसरी बार मिला तो एज ए टीचर मिला, तो इसके लिए जोरदार ताली बजा दें। बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि इमेंसी में जो इन्होंने अपना आपको अपडेट किया है, इंडिया में इनके मुकाबले कोई खड़े हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है इंडिया में। थैंक यू सर। आज सर के मुंह से मेरी तारीफ सुने हैं, जो भी सुने हैं वो सर की बदौलत है। सर अगर हमें मौका ना देते कुछ नहीं हो सकता था। अगर मैं इस लायक हूं तो सर की वजह से। डर, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आज डर रहे हो, अभी डर रहे हो, और कितने दिन डरोगे, और कितने दिन डरोगे, डर डर के काम करोगे। आज डर रहे हो, कल डर रहे हो, आज मैं ये नहीं बोलूंगा डर रहा हूं, कल भी ये आया मैं नहीं बोल रहा हूं, डर दे रहा हूं। अरे एक बात तो कोशिश करो, कितने दिन डरोगे, जिस दिन अपने अंदर डर खत्म नहीं करोगे उस दिन तक कुछ नहीं हो पाएगा। सर ये आईसी मुझे तो खोल नहीं आ रहा है, ये आईसी खोलने से मोबाइल लेट नहीं हो जाएगा। कल का मैं स्टोरी सुनाता हूँ, कल मेरे पास एक कॉल आया रात की कम से कम 10:30 बजे। तो मेरे पुराने स्टूडेंट था, तो उसके बाद एक रेडमी 7A था, प्रॉब्लम ये था कि सिस्टम डाइमो, ठीक है ना, उसका सिस्टम करप्टेड हो चुका है। तो 7A जो है ना वो ऑनलाइन क्लास होता है, आपको मालूम है ऑनलाइन क्लास। तो मैंने बोला ऑनलाइन करवा लो, उसने बोला सर ठीक है करवा लेता हूँ। तो किसी से उसको कॉल किया और कॉल करके पूछा कि कितना पैसा लगेगा, उसने बोला कि 800 रुपये लगेगा। फिर मुझे वो कॉल किया कि कॉल करके बोला कि सर 800 रुपये हो जाए करवा लूँ। मैंने बोला मैंने एक तरकीब बोलूंगा, तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना होगा। सर बोलिए तो फिर मैंने बोला अगर तुम उसका आईपी खोल सकते हो, उसका आईपी तुम खोल सकते हो, तो मैं करवा दूंगा तुम्हें टीम में आके, तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। तो बोल रहे थे डर लग रहा है, मैंने उनको वही बात बोला कि कितने दिन डरोगे, कितने दिन डरोगे। अब वो आईपी वो खुद खोला, खुद खोल के प्रोग्रामिंग खुद किया, मुझसे पहले वो खुद से ट्राई किया, मेरे से पहले वो खुद ट्राई किया, फिर वो सक्सेस होके मुझे फोटो भेज रहा है। अब जो स्टूडेंट सबसे कमजोर था मेरे बैग में, वही स्टूडेंट अगर डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, यही बात है मेरा। तो थैंक यू सर, समझ गए कि नहीं समझ गए, डरेंगे कि नहीं डरेंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे, बिल्कुल। आइए दुर्गेश सर, तो आ जाइए ध्रुव सर और मिलन सर आ जाइए। तो यहाँ पर क्योंकि एक बार आप लोगों से पूछा जाएगा, जो भी है दिल से बोलना कि क्या आपको अच्छी लगी यहाँ एशिया टेलीकॉम की एक बात, मतलब ये मत बताइए कि सर मुझे आगे थी मैं क्या सीखा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपको इंडिया में और कोई नहीं दे सकता था, तो वो बात आपको यहाँ के शेयर करनी है, और एक एक अवार्ड है वो कलेक्ट करना है जो जिंदगी भर आपको याद दिलाएगा कि डरेंगे नहीं, जो जिंदगी भर आपको लगेगा कि अगर डरेंगे तो वो अवार्ड देख लेना आप लोग। तो मैं बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर बोलिए जरा, और नाम लीजिए जिनको एक एक करके बुलाइएगा।
पांच रिंग का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबॉलिंग सीखी है, बताइए किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबॉलिंग की है? सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर, चलिए एक बार नंबर बताइएगा जिसने एक से ज्यादा बार किया है, बताइए एक एक करके बताओ। दो बार, पांच बार बनाया है, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। और यहाँ पर आप फ्रेशर हैं, कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है? यहाँ पे हाथ साथ में है 28 दिसंबर का बैच। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं, बताइए। पांच दिन, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि पांच दिनों में किस किस को आईसी रिबॉलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबॉलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए, बताइए। मैंने चार बार किया, वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड, सात बार, वेरी गुड, दो बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, छह बार किया आपने, वेरी गुड, इसमें से दो बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, दो बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल, आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार, दो बार, नंबर बोलते रहो, दो बार, नंबर बोलते रहो बस, चौदह बार, क्या बात कर रहे हो, इतना दो बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए, किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर पांच दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ पांच दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया, किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार, सर पांच बार, सात बार, दो बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, तीन बार, पांच बार, चार बार, पांच बार, तीन बार, दो बार, तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार, यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के, अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस बिल्कुल सेटिस्ट हुआ है यहाँ पर, तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे, क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर, आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर,
तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एसे टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आप? पूरा पढ़ा सर। उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है। अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि ईएमसी में यही से करूँ, एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, तुम्हें अच्छा कब से काम कर रहे हैं? सर मेरा कॉन्फिडेंस 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर। हाँ, हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। सर जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाई नहीं हो पा रहा। सर्टिफाई नहीं है क्योंकि आप यूट्यूब से देखकर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर इसकी निकाले सब कुछ और एक नहीं था। मुझे सर देखो दिल से लगा था, अगर सर बहुत अच्छा समझाते, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आ गया हाथ पकड़ के सिखाने का तरीका, मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कर रहे हैं अभी लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, बाबा चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता, मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो टेक्नीशियन लोग तो वो भी रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए 2-3 स्टूडेंट थे,
उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है मॉडल इंडिया में। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ सब कुछ बना मिल गई अच्छा। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएम से और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट छह महीने सात महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ दो दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो करते हैं मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोले, मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब ये भी बोले हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि कहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर जनता उनको चुना। तो आप सेटिस्फाई सर? 100% सेटिस्फाई है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा स्कूल बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हम तो फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amazon 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.